न्यूज देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अमनदीप कौर स्वागत कर दी हूँ। अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस आज तो शुरू हो गई है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही किया। तुहानू दस दईए कि इस ट्रेन च शहरवासियों नू काफी सहूलत मिलेगी क्योंकि यह ट्रेन तेज रफ्तार नाल लोगों नू जल्दी दिल्ली पहुंचा देगी। यह शुक्रवार नू छड्ड के हफ्ते के 6 दिन चलेगी और जलंधर कैंट स्टेशन से 2 मिनट रुकेगी। सर्दी दीआं छुट्टियां दे बाद जदों 1 जनवरी तो सरकारी स्कूल खुलणगे तां उसदे 4 दिन बाद मतलब 5 जनवरी तो स्कूल सिक्ख्या विभाग 9वीं अते 10वीं क्लास दे विद्यार्थियों लई सब्जैक्ट फेयर आयोजित करेगा। 2 दिनां बाद इस सब्जैक्ट फेयर दे जरिए विद्यार्थियों दी मैथ, साइंस, इंग्लिश अते सोशल साइंस च रुचि वधण दा यतन कीता जाएगा। इस पहल नाल जुड़े कुछ विभागी अध्यापकां दी मन्नी तां सब्जैक्ट फेयर विद्यार्थियों नूं आसान तरीके ते खेड गतिविधियां दे जरिए सिखाउण दे मकसद नाल करवाए जा रहे ने। जिथे एक पासे पंजाब सरकार नीले कार्ड धारकां लई घर घर राशन पहुंचाउण दे वादे कर रही है अते केंद्र सरकार 5 साल मुफ्त अनाज देण दीआं गरंटियां दे रही है, उथे ही दूजे पासे सरकारां दीआं बेध्यानी तों निराश होए डिपो होल्डरां ने 1 जनवरी तों अणमिथे समें लई हड़ताल ते जाण दा ऐलान कर दिता है। डिपो होल्डरां वल्लों 16 जनवरी नूं रामलीला ग्राउंड च रैली करके संसद दा घेराउ करन दा वी फैसला कीता गया है। पंजाब च ठंड ते संघनी धुंध दा कहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे दौरान बहुत संघनी धुंध नूं लै के रेड अलर्ट जारी कीता है। इस समय दौरान बहुत संघनी धुंध होवेगी अते विजिबिलिटी घट रहेगी। इस तरह संघनी धुंध दा ऑरेंज अलर्ट 31 दिसंबर अते येलो अलर्ट 2 जनवरी तक जारी कीता गया है। जानकारी मुताबिक धुंध कारण देश भर च 271 उड़ाना च देरी हुई अते करीब 1.5 दर्जन उड़ाना नूं रद्द करना पिया। इकल्ले दिल्ली च 100 उड़ाना ने देरी नाल उड़ान भरी। इस तों इलावा 80 तों वध ट्रेनां देरी नाल चल रहियां ने। राज्यसभा दे चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी वालों संसद दे उपरले सदन च राघव चड्ढा नूं पार्टी दा अंतिम आगू नियुक्त करन दी बेनती नूं ठुकरा दित्ता है। आप मुखी अरविंद केजरीवाल वालों राघव चड्ढा नूं राज्यसभा च पार्टी दा अंतरिम नेता नियुक्त करन दी मांग करन वाले पत्र दे जवाब च धनखड़ ने लिखिया, इह पहलू संसद च मानता प्राप्त पार्टियां अते समूहां दे नेतावां अते चीफ व्हिप्स नूं सुविधा प्रदान करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य चोण कमिश्नर अते होर चोण कमिश्नर दी नियुक्ति नाल संबंधित बिल नूं अपनी मंजूरी दे दित्ती है। जारी एक सरकारी नोटिफिकेशन च यह जानकारी दी गई। मुख्य चोण कमिश्नर अते होर चोण कमिश्नर बिल 2023 च सीईसी जां चोण कमिश्नर दी नियुक्ति लई चोण कमेटी ते विचार करन दी प्रक्रिया लई कानून मंत्री दी प्रधानगी हेठ सर्च कमेटी दी गठन दी व्यवस्था होए। कनेडा बैठे खतरनाक गैंगस्टर लखवीर सिंह उर्फ लंडा नूं भारत सरकार ने अत्तवादी ऐलान कर दिता है। लंडा चंडीगढ़ दे नाल लगदे मोहाली दे पुलिस इंटेलीजेंस दफ्तर दे आरपीजी हमले दा मास्टरमाइंड है। उसे तरनतारन दे थाने ते भी हमला करन दा दोष है। ओह अजे कनेडा च बैठ के भारत खिलाफ गतिविधियां चला रिहा है। ओह अत्तवादी जथेबंदी बब्बर खालसा नाल संबंध रखदे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वल्लों उस खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कीते गए ने। हुण भारत सरकार दे गृह विभाग ने उस नूं अत्तवादी ऐलान दिता है। भारत सरकार हुण उस नूं कनेडा तों भारत लै के आउण दा यतन करेगी। इमरान खान नूं लै के एक वड्डी खबर सामने आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सियासतदानां ते वकीलां नूं अडियाला जेल च पाकिस्तान दे साबका प्रधानमंत्री इमरान खान नाल मुलाकात करन अते 8 फरवरी नूं होण वालियां चोणां लई रणनीति बनाउण लई मीटिंगां करन दी इजाजत दे दित्ती है। जस्टिस मिया गुल हसल औरंगजेब ने खान दी पटीशन ते इह फैसला सुनाया है। पंजाब च श्री हरिमंदर साहिब इक अजिही धरती है जिथे दूर दरेड़े तों लोक दर्शन करन लई पहुंचदे ने। देश च ही नहीं सगों विदेशां तों वी लोक श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक हुंदे रहिंदे ने। अजिहे च हुण इक जापान दा व्यक्ति साइकिल राहीं 1000 किलोमीटर दा सफर तय करके अमृतसर दे श्री हरिमंदर साहिब पहुंचे है। उसने श्री हरिमंदर साहिब विखे दर्शन कीते अते गुरु का लंगर छक के बहुत खुश होया। इस दौरान उसने पूरी दुनिया दे लोकां नूं मिट्टी नूं प्रदूषण तों बचाउण दी वी अपील कीती। अज बिहार च इक वखरा ही नजारा वेखण नूं मिलिया जिथे इक हवाई जहाज फ्लाईओवर हेठां फस गया। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਵੀ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੇਠਾਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 11 ਵਜੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ 'ਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। WFI ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਨਗਰ 'ਚ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ WFI ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
मंत्रालय ने WFI के ब्रिजभूषण के निवास तो चल रहे दफ्तर नूं भी मुअतली की कार्रवाई का एक कारण दस्या गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अज 10 दिन का विपासना ध्यान जो खत्म हो गया है। अरविंद केजरीवाल अज हुशियारपुर तो दिल्ली लिए रवाना हो गए हैं। केजरीवाल इतने शहर नेड़े नंदगढ़ विखे स्थित विपासना केंद्र च 10 दिन के मैडिटेशन कोर्स कर रहे सन। इस संबंधी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके भी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि 10 दिन की विपासना मैडिटेशन तो बाद अज वापस परते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या च रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। दो नवी अमृत भारत और 6 नवी वंदे भारत रेलगड्डियों भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी आज सवेरे अयोध्या के एक दिन दौरे पर पहुंचे सन। पंजाब के किसानों को लेकर अहम खबर सामने आई है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो हर साल सूबे के किसानों की गिनती घटती जा रही है। जानकारी मुताबिक यह योजना साल 2019 शुरू की गई थी। साल 2019-20 दौरान सूबे के 30 लाख तो ज्यादा के करीब किसानों इसका लाभ मिलया। इस तो बाद लगातार इस योजना का लाभार्थी घटते जा रहे हैं। हुण तक लई स्पीड न्यूज़ इन्ना ही। मैनू दिओ इजाजत। धन्यवाद।